पीआईएल की एक लिमिट होती है, और वैसे भी जिसका मूल काम है पहले उसको करना चाहिए, जब वो नहीं करते हैं उसके बाद ही हम लोग पीआईएल करते हैं, फिर पीआईएल एडमिट होती है, उस पर आगे मामला बढ़ता है। सच्चाई यह है कि सोशल रिफॉर्म में जितने काम हुए हैं आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है, वो पीआईएल के माध्यम से कोर्ट से ही हुआ है। चाहे जो काम हुआ है, चाहे शादी विवाह की उम्र का मामला हो, या कॉमन सिविल कोड का मामला हो, पॉपुलेशन कंट्रोल का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, घुसपैठ का मामला हो, इस पे सरकारों ने काम नहीं किया और जनता ने भी नहीं किया। जितने बड़े हॉल में यहां लोग बैठे हैं, आप बनाइए 200-300 का ग्रुप, पकड़िए अपने सांसद को, पकड़िए अपने विधायक को, बोले भैया ये मुद्दा तुम्हें विधानसभा में उठाना है, ये मुद्दा तुम्हें संसद में उठाना है। सांसदों विधायकों को 0 आवर मिलता है, क्वेश्चन आवर मिलता है, और सबसे बड़ा तो उनको बिल पेश करने का अधिकार है, प्राइवेट मेंबर बिल। अगर आपके सांसद अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, वो क्वेश्चन आवर में सवाल नहीं पूछ रहे, 0 आवर में सवाल नहीं पूछ रहे, सरकार को सेशन नहीं दे रहे, स्टैंडिंग कमेटी में सेशन नहीं दे रहे, प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर रहे, तो उसके लिए जज को जिम्मेदार कैसे कह सकते हैं? और फिर बात आई कि जज अगर अपनी मनमानी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जजों को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून नहीं, जुडिशियल चार्टर नहीं है। और चार्टर बनाना किसका काम? सरकार का। अंग्रेजी कानून चल रहा है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जज सारे अंग्रेज होते थे, तो उन्होंने बहुत पूरी पावर दे रखा था। अब कानून वही है, चल रहा है, तो वो पावर कंटिन्यू है। जिस दिन कानून बदल जाएगा, जज की पावर कम हो जाएगी। आपका पॉइंट मैं समझ गया। आप अरे भैया मैं समझ गया। हाँ, सरकार क्यों नहीं ला रही है? वो तो संविधान में लिखा हुआ। संविधान के सारे प्रावधानों को इंप्लीमेंट कराना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम पार्ट 3, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसको इंप्लीमेंट कराना है। उसके लिए अगर कोई पिटीशन जाती है तो एडमिट करती है। जैसे मैंने पीआईएल फाइल किया, लड़के लड़की की शादी की उम्र अलग अलग है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, कोर्ट ने एडमिट कर लिया, सरकार को नोटिस जारी कर दिया, सरकार ने जया जेटली कमेटी बनाया, जया जेटली कमेटी ने रिपोर्ट दिया, संसद में बिल आया, अभी बिल स्टैंडिंग कमेटी में पेंडिंग है। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है, कोर्ट का काम संविधान को पढ़ के उसका इंटरप्रिटेशन करना। हाँ, संविधान में फंडामेंटल राइट जो लिखा हुआ है उसका अगर वायलेशन हो रहा है, उसमें अगर कोई कोर्ट जाएगा, ट्रिपल तलाक की पीड़िता गई तो क्या बोलते हैं, उनको राहत मिली? किसी सरकार ने 3 तलाक को खत्म नहीं किया। किसने खत्म किया? कोर्ट ने। मैंने 4 शादी वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, 2 जजों की बेंच के सामने गया, 3 के सामने गया, 5 के सामने पेंडिंग है। मैंने हलाला को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मुताह को चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पूरे देश में शरिया कोर्ट बनी हुई है, चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 80% समस्याओं का समाधान संसद और विधानसभा में होना है, कोर्ट के जरिए केवल 20% समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि पूरे के पूरे संविधान को लागू करना किसका काम है? संसद और विधानसभा। 22 पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल 22 पार्ट, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक। 22 पार्ट में केवल एक पार्ट, यानी पार्ट 3, जिसको फंडामेंटल राइट कहते हैं, उसको इंप्लीमेंट कराना कोर्ट का काम है। बाकी टोटल 22 को इंप्लीमेंट कराना किसका काम है? सरकारों का। नहीं काम किया उन्होंने, नहीं काम किया, जनता ने आवाज नहीं उठाई, जनता ने आवाज नहीं उठाई, जनता बटी रही, जातियों में बटी रही, इसमें बटी रही, उसमें बटी रही, चलता रहा। अब देश जाग रहा है, और मैं इसलिए कह रहा हूं जाग रहा है कि मैंने वक्फ एक्ट को चैलेंज किया 2020 में, एक बड़ा घटिया कानून है, इतना समय नहीं था सब पे बात हो सके। उस वक्फ एक्ट के खिलाफ देश भर में 122 पीआईएल आ गई, लेकिन जब लोग कोर्ट आएंगे तभी तो राहत मिलेगी, घर में बैठे बैठे नहीं होगा। कोर्ट हर चीज को सुओ मोटो नहीं लेती, कोर्ट में आना पड़ता है, प्रसाद मंदिर जाने भी मिलता, घर बैठे मिलता। जोर से बोलो जरा,
ये FIR थाने जाने पे लिखता है या घर बैठे बैठे लिख जाता है? तो हमारा जहां अपना काम होता है हर चीज के लिए हम चले जाते हैं। अपना काम होगा आशीर्वाद लेना है भगवान से, कुछ मन्नत मांगनी है, मंदिर पहुंच गए। अपना काम है थाने पहुंच गए, अपना काम है कलेक्टर के यहां पहुंच गए, अपना काम है तहसीलदार के यहां पहुंच गए, अपना काम है ट्रांसफर ऑफिस पर कराना का सांसद के पास भी पहुंच गए। देश के लिए नहीं पहुंचते निष्पक्ष भाव से, केवल और केवल राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए। रेयर बहुत कम लोग जाते हैं। जिस दिन बड़ी संख्या में संगठित होकर जाना शुरू कर देंगे उस दिन व्यवस्था बदलेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जातियों से ऊपर उठिए, भाषा से ऊपर उठिए, क्षेत्र से ऊपर उठिए, संगठित होके अपने अपने सांसद विधायक को पकड़िए, उनको समस्या बताइए, उनसे समाधान पूछिए। अगर इधर उधर की बात न करें, कानून न समझ में आए, जैसे मैंने कहा धर्मांतरण के लिए 5 कानून है, अब आपको मान लो याद नहीं रहता, इतना बोलो कि भाई साहब ये बताओ जो धर्मांतरण भारत में हो रहा है ये चीन में क्यों नहीं होता, इतना तो याद रहेगा ना। ये सिंगापुर में क्यों नहीं होता, ये कोरिया में क्यों नहीं होता, ये जापान में क्यों नहीं होता, ये भारत में क्यों हो रहा है? अगर ज्यादा कानून याद नहीं कोई बात नहीं, ये पूछो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत में क्यों आते हैं, अमेरिका क्यों नहीं चले जाते, ये सिंगापुर जापान क्यों नहीं जाते? पावर कानून में होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया, अमेरिका में शर्ट चुराने पे 25 साल की सजा, गूगल कर लेना आपको मिलेगा। सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी। अमेरिका में 2,00,000 युआन लेने पे चीन में फांसी। चीन के कानून मंत्री को फांसी की सजा घूस लेने पे। अब ये कानून कोर्ट नहीं बनाएगी, ये कानून संसद और विधानसभा को बनाना है। संसद विधानसभा में तब बनेगा जब आप लोग जागोगे और सांसदों विधायकों को पकड़ोगे, मिलोगे, उनसे बोलोगे,